डी स्टूडेंट एज वी हैबाउट स्टेशनरी सीरीज नॉन स्टेशनरी सीरीज प्योर रैंडम वाक किस वक्त होगा डिटर्मिनिस्टिक टेंट कब होगा नेक्स्ट uh, इज के किस तरह हमें आइडिया होगा कि हमारी जो सीरीज है वो स्टेशनरी बन गई है और स्टेशनरी बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस है कि किस तरह हमने कौन सी चीजें इंटीग्रेट की हैं तो आपकी सीरीज नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कन्वर्ट हो गई है और उसको जब हम इंटीग्रेटेड प्रोसेस इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए हम सिंपली कहते हैं इफ़ यू हैव रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट और आप उसको फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो सीरीज स्टेशनरी बन जाती है सम टाइम आपका ड्रिफ्ट uh, इंक्लूड है सम टाइम ड्रिफ्ट इंक्लूड नहीं है तो आप जब उसका रैंडम वॉक का सिंपल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि सीरीज को डिफरेंस लेते हैं तो वो स्टेशनरी बन जाती है तो हम कहते हैं दिस सीरीज इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन कि आपने एक उसका डिफरेंस लिया है समटाइम uh, वहीं जो रेंडम वाक है उसका आप एक डिफरेंस लेते हैं सीरीज अगेन नॉन स्टेशनरी रहती है जब अगेन नॉन स्टेशनरी रहेगी तो आप उस डिफरेंस सीरीज का अगेन डिफरेंस लेते हैं यानी टू टाइम आप उसका डिफरेंस लेंगे जो आपके पास औरिजिनल सीरीज़ है उसका डिफरेंस लेंगे वो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा फिर भी आपकी सीरीज स्टेशनरी नहीं बन रही तो आप क्या करेंगे उसको अगेन सेकंड डिफरेंस लेंगे और सेकंड डिफरेंस पे जाके अगर वो स्टेशनरी बनती है तो उसको कहते हैं सीरीज इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर टू और डी इंटू टू हम लिख सकते हैं डी इंटू वन लिख सकते हैं डी इंटू जीरो लिख सकते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि सीरीज पे हमने कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए तो यहाँ पर हम इसको आई वन भी कह सकते हैं आई वन इज वेरी मच सिंपल दिस इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन इट मीन्स हमने इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया इफ़ द सीरीज इज आई टू इट मीन्स सीरीज इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर टू हमने डिफरेंस लेके उसका दोबारा डिफरेंस सीरीज का डिफरेंस लिया है तो वो आपकी इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर टू आ जाएगी इसी तरह uh, कुछ सीरीज होती हैं उन पे जो हम ऑपरेशन अप्लाई करें जर्नलाइज जो फॉर्म होती है दिस इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर डी एंड डी ज़ीरो भी हो सकता है आर्डर वन भी हो सकता है आर्डर टू भी हो सकता है और जनरली जो इकोनॉमिक सीरीज़ हैं उनको हम इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन रखते हैं कि उनको जनरली एक लैग पे वो डिपेंड कर रही होती है विद द पैसेज ऑफ़ टाइम उनकी उसके साथ थोड़ी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है तो इसलिए वो इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन फर्स्ट डिफरेंस उनका लेते हैं तो हमारी मोस्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक सीरीज जो हैं वो कन्वर्ट uh, हो जाती है नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कुछ स्पेसिफाइड सीरीज हैं जो आई टू होती हैं और चंद एक ऐसी भी होती हैं जिनको हम आई नॉट कहते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एंड लाइक बिजनेस फाइनेंशियल या सोशल स्टडीज़ की जो सीरीज होती हैं वो आई वन होती हैं और उसको हम जब नोट करते हैं दे वाई टी इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर डी या इसको और स्पेसिफाई जब हम करेंगे तो ऐसे भी वाई टी इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर ज़ीरो इट मीन्स के सीरीज एज इट इज़ स्टेशनरी है इफ़ वाई टी इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर जीरो लाइक

अगर सेकंड डिफरेंस लिया तो हम लिखेंगे वाई टी इज इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर टू तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने सीरीज पे कौन से ऑपरेशन अप्लाई करके तो सीरीज को नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आगे हम उसको मॉडल में यूज करें सेकेंडली स्टेशनरी बना के किस तरह आइडिया हो जाएगा नो द सीरीज इज स्टेशनरी तो उसके लिए आ, कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे हम इवन ग्राफिकली भी उसको देख सकते हैं Uh, हम समाइम उसको कुरेलोग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं और इकोनोमेटिक्स के स्टूडेंट को आइडिया uh, होता है अबाउट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे हैव द आइडिया ऑफ कुरेलोग्राम इवन दे हैव द आइडिया ऑफ द ए प्रोसेस और उसके लिए कौन कौन से मॉडल होते हैं जिसको आपने uh, नाम सुना होगा ऑगमेंटिड डिकीफुलर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम सिम्पल डिकीफुलर कर सकते हैं हम पी, -पी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं देर इज़ अ वराइटी ऑफ टेस्ट जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या हमारी सीरीज स्टेशनरी हो गई है या अभी तक स्टेशनरी नहीं हुई